महिला सफल होती है या फिर सोशल मीडिया पे या फिर कुछ भी लेता है तो लोग कुछ ना कुछ कहने लगते हैं इसके बारे में। इसके जैसे उनका ससुराल था तो वो भी उनको बोलने लगा, मानसिक तौर पर प्रताड़ित हो चुकी थी। बाहर के लोग गलत नहीं बोलते, सोशल मीडिया पर लोग कुछ लोग जो तमाम इंटरव्यू चला रहे थे इसका कहीं ना कैसा पड़ा है? इसका तो बहुत असर पड़ा है कि लोगों को नहीं करना चाहिए था। अगर पारिवारिक मामला है तो किसी को इतना अंदरूनी रूप या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, वो आत्महत्या कर रहे हैं। सर क्या ये आत्महत्या है या फिर इसमें किसके पीछे भी कोई साजिश? कल के वीडियो में उनका जो बयान था उससे तो ये लगता है कि उनके पति ने उनकी हत्या करी है, क्योंकि उन्होंने बोल के गई है। वो 16 घंटा पहले उनकी वीडियो मैंने देखी है, उसमें उन्होंने बोला है कि मेरे साथ अगर कुछ भी होता है तो मेरे पति और मेरे ससुराल वालों का उसमें हाथ रहेगा। और सुबह ही आज उनकी मौत की खबर मिली। ये राहुल बीच में क्या लड़का बीच में आया था क्या? अब उसके बारे में जैसे हम अंदरूनी कुछ इतना नहीं जानते जितना कि उन्होंने बताया उतना ही हम लोग जानते हैं, बाकी आप पुलिस बताया। देखिए ऐसे माहौल में देखिए उनकी बहन है और सवाल तो नहीं कर सकते लेकिन फिलहाल पूछ लेते हैं क्या मामला था, कैसे क्या हुआ था, कब मिले थे? परसों रात हमारे घर रानी नहीं अरे मान के रानी परसों बिस्तर गई ना 9 बजे रात को कली आके आई ना अपने घरे 9 बजे रात को लाइना ओकर पर फोन मन कुल मिला कह लेते रात के आराम बाटे और टेंशन न लियो तहन बचन अब बाटी ठीक बाटी कहली अच्छा बहनी ठीक बा कैसे तो रहे मारे करिया तो हमन के घर चली आए कौन काम गलत न कर ठीक बना गलत करब गलती सुनो हमन के हमार तहने तो कहो अब ना कौन ऐसा गलती करब हम कहली ठीक बहने ऐसा रह के कुछ कहना पावे अपन मन ऐसा जवन पाव तो जवन कह तो अटल तो के ये बीच में उनकी एक शादी हुई थी वो कौन था वो लड़का जो हो शादी भी शुरू भुसला को धाम कम की दे के ब्याह करावा ली राना मंदिर में कौन लड़का था वो अर्जुन बरमर कहीं ना कहीं जो बदनामी हो रही सोशल मीडिया पर शादी का इस क्या असर पड़ा था इस पर मालती पर इसका बहुत कहू न बेचारे मुझे कह लगा का मोर इज्जत भी स्वरूप बना रहे थे बार बार मालती चौहान और विष्णुवा चौहान राहुल के बारे में कहीं ना कहीं गलत संदेश जा रहा था। और ये जो एक मालती चौहान का जो शव मिला है उन्हीं कमरे में फांसी के फंदे पर लटकता हुआ और मालती चौहान जो अब इस दुनिया में नहीं है एक हंसता खेलता चेहरा जो हम सबको यानी पूरे लोगों को हंसाता था, क्या कहना चाहेंगे मालती बारे में? अब इस दुनिया में नहीं है वो, अब कुछ कहने सुनने में कुछ रह नहीं गया सर। अब देखिए आप लोग के सामने जो कुछ भी था मैंने भी कल अभी 2 मीडिया वालों के पास कल मैंने इंटरव्यू दिया था और बोला था कि आगे समय में भगवान न करे किसी दुश्मन के साथ ऐसा हो, लेकिन आगे समय में उनका भी हाल अकांक्षा दुबे वाला होने वाला है क्योंकि हो गया क्योंकि अनुमान था। अब इसमें जो गेम खेल रहा था खुद पहले उसका शादी करवाता है और खुद ही जा करके सुलह सपाटा कराता है, खुद ही अपने मर्जी से जो चाहे वो लिखवाता है सुलहनामा में। शादी किससे हुई थी? अर्जुन वर्मा नाम के ये कौन था? किसी गांव के थे शायद बगल के गांव। पीछे चलो मालूम तो ये था कि भाई था वो। हाँ मुँह बोला भाई था। पीछे चलो जी जी शादी कैसे कर लिया? अब ये तो विष्णु जानेंगे ना, पहले समझौता भी हुआ पहले समझौता भी हुआ था और ये विष्णु ने ही सब कुछ कराया है। वो फुसला तो के कराना है। आप लोग जो बार बार इंटरव्यू दे रहे थे आप लोगों ने कभी रोका नहीं इस चीज को? मैंने बहुत वीडियो बनाया सर, मीडिया भाई लोगों से भी बोला कि सर आप लोग ऐसा मत करिए, इन लोगों को इंटरव्यू लेकर के पाप लोग की और ज्यादा मत दीजिए। आप भी तो इंटरव्यू बार बार देते बार बार दे रहे थे। अगर मेरे घर कोई बार बार आएगा इंटरव्यू लेने तो किसी मीडिया को हम भगा नहीं सकते हैं। उससे क्या होता है जैसे हम इंटरव्यू अगर नहीं देते हैं तो बगल में जाके तुरंत वीडियो लोग बनाने लगते हैं कि घमंडी ऐसी है वैसी है। क्या मानते हैं हत्या? क्या हत्या है सर? सरासर हत्या है क्योंकि इनके कहने मुताबिक जो है कि मालती जो है उसका ये गले पर निशान नहीं है और लेके गया परसों 20 तारीख को लेके गया है तो वीडियो उसका ये कह के क्यों बनवाया कि अपने दीदी के घर पे बहाना ये बोला है उसको मारपीट के वीडियो। और जो मृतक है मालती चौहान उसके शरीर पर चोट के कुछ निशान हमने फोटोज में देखे हैं, इनके फोटोज में देखे हैं। तो जांच का विषय तो आ जाएगा, सारा चीज आ जाएगा। अब पुलिस प्रशासन से मैं यही कहना चाहूंगी, अब तो जो होना था हो गया लेकिन प्रशासन से यही कहना चाहूंगी कि ऐसा घटना आगे फिर दोबारा ना हो, इसके लिए प्रशासन से मेरी यही गुहार है कि इसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो और जो
जो भी दोषी है उसको सजा मिले। आप कुछ कह रहे थे? ये शुरू से लास्ट तक लड़ रहे हैं, हम मालती के लिए शुरू से लास्ट तक लड़े हैं, हम गोरखपुरिया भूजी के लड़े हैं, हमारे शुरू से लास्ट तक लड़ रही थी कि मालती सही है, एक औरत है, उसका सम्मान करिए, कोई भी रिकॉर्डिंग वायरल ना करिए। वो बार बार बोल रही थी, बार बार रिकॉर्डिंग वायरल कर रहे थे, एक किसी लड़के के साथ बात कर रही है, जो रिकॉर्डिंग किए थे वो राहुल नाम है उनका, उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिएगा, अगर किसी की बातें रिपोर्ट कर दिए हैं तो वो बार बार वायरल नहीं करना चाहिए। पति पत्नी का झगड़ा था तो पति पत्नी आपस में समझ लेते हैं, खूब मजे लिए लोग, मजे खूब नहीं लिए सर, मजे लिए हैं विष्णु राय, मजे सब लोगों ने लिया, वो भी इंटरव्यू चला के भी उसके लिए सही सही बात है, दोनों लोग के पास जाते थे डालने से वीडियो। तो जब मैं भी इसी जिले का पत्रकार हूँ, 2022 में चुनाव के दौरान मैंने मालती का इंटरव्यू लिया था, और यहाँ पर जब डेंगू का हुआ तब मैं इंटरव्यू लिया था, ये जब डाल रहे थे बहुत उसको इंटरव्यू में कर रहे थे कि भाग गई शादी करा दिए, अपने घर से सपोर्ट के लिए लोग ऐसा नहीं करना चाहिए, जो ब्लॉगर है मान लीजिए, लेकिन अभी किसी को पता नहीं था कि मालती चौहान है, अचानक कैसे पहुंची घर पर, वीडियो में भी वो क्या बनाई थी, लेकिन वो बोली थी कि हम अपने दीदी के घर, उससे जबरदस्ती वीडियो बनवाया गया था ये रात को शाम को, मतलब 5 बजे के लगभग वो बना के वीडियो में डाल रही कि हम अपने दीदी के यहाँ है, अब बाद में सुबह पता चलता है कि दीदी के यहाँ नहीं है, तो अपने ससुराल में ही है। और ये भी जांच का विषय है कि मालती चौहान जो थी राहुल के साथ में थी, लेकिन अचानक विष्णु राज से घर पर पहुंचना, ये भी सवालों के घेरे में है, और अचानक उसका शव मिलना फंदे से लटक कर उसकी मौत हो गई है, लेकिन